गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हम लोग ओम थानवी जी का पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर अतीत में दबे पांव। हमने प्रीवियस डे दो तीन लेक्चर में कुछ पढ़ा है, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे ऊँचे चबूतरे पर, नहीं यहाँ हम पढ़ा चुके हैं, वेट अ मोमेंट, हाँ कुंड की बात कर रहे थे। तो कुंड बताते हैं कि वो पक्की ईंटों का बना हुआ है, कैसे वहाँ पर स्नानागार हैं, ठीक है, सब चीज़ है, सारी चीज़ें कैसे सुव्यवस्थित ढंग से बनी हुई हैं। कह रहे हैं कि पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं, ठीक है। वहाँ की ढकी हुई नालियाँ और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो धूसर ईंटों के जो है कि क्या बोलते हैं, नालियाँ बनी हुई हैं पक्की। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इसके पहले के इतिहास में नहीं मिला है। और कह रहे हैं पानी निकासी का जो ये सुव्यवस्थित इंतजाम है नालियों का, ऐसा कहीं इतिहास में नहीं प्राप्त हुआ है जैसा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो वाला जो शहर है उसमें प्राप्त किया गया है, दिखाई देता है। कह रहे महान कुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, कुंड के दूसरे तरफ विशाल कोठार है। कह रहे महान कुंड के बाद हम गढ़ की परिक्रमा करते हैं तो कुंड के दूसरी तरफ जो है कि विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता है। और कह रहे हैं कर के रूप में जैसे लगता है, जैसे पहले जमींदार होते थे, या जैसे इस समय सरकार हम लोगों की हर चीज़ पर टैक्स लगाती है, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये जैसी चीज़ों की महंगाई है, वैसे जैसे दाम है वैसे कर लगता है। तो उसी प्रकार से जो किसान अनाज जो है कि उगाते थे उसका भी कर लगता था, सरकार वो भी कर वसूल करती थी। तो कह रहे हैं कि पता चलता है कि वो कर भी जैसे लगता है अनाज के रूप में शायद यहाँ इकट्ठे रखा जाता है। इनके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। और कह रहे हैं इनका रूप, निर्माण रूप जो है, और ख़ास करके जो चौकियाँ हैं, जो हवादार रूम बनाए गए हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है यहाँ पर कर के रूप में जो अनाज इकट्ठा किया जाता था, हासिल किया जाता था जो है कि किसानों से, वो यहाँ पर इकट्ठा रखा जाता है। यहाँ नौ नौ चौकियों की 3 कतारें हैं। और कह रहे हैं नौ नौ चौकियों की 3 लाइनें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और कह रहे हैं उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ी का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए इस चैप्टर में जैसे ओम थानवी जी के बारे में बताया गया था कि उनकी ये है क्या बोलते हैं भाषागत विशेषताएँ ये है कि जब हम उनके द्वारा रचित चीज पढ़ते हैं, रचनाएं उनकी, जैसे लगता है कि यात्रा वृत्तांत जब होता है संस्मरण, जैसे लगता है कि हम वो वहाँ वहाँ उस जगह से हम जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है ना आपको पढ़ाते वक्त, मुझे क्योंकि फील हो रहा है। हाँ ठीक है, आगे कहते हैं कि ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। और कह रहे हैं कि ढुलाई के लिए जिसका जो है कि क्या बोलते हैं बैलगाड़ियों से अनाज लाया जाता था वो आवागमन होता है। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। कह रहे हैं ठीक इसी तरह का एक कोठार हड़प्पा में पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। और कह रहे हैं अब जनमानस में ये क्लियर हो गया जन लोगों में कि सिंधु घाटी के समय में व्यापार ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी खेती भी होती थी। बरसों यह माना जा रहा था कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। कह रहे हैं बरसों से ये होता था कि वो लोग सिंधु घाटी के लोग अन्न नहीं उपजाते थे, उनका आयात करते थे, कह रहे हैं वो बल्कि मंगाते थे। लेकिन नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया है। और जब नई खुदाई हुई और नई चीज़ें जाने लोग, तब ये क्लियर हो गया कि नहीं वो गलत था ये ख्याल जो है कि लोग जो है कि उगाते थे अनाज, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। और बल्कि अब तो विद्वान ये मानते हैं कि वो लोग मूलतः पशुपालक थे या और खेतिहर थे, ठीक है। लोहा शुरू में नहीं था, बल्कि ये माना जाता है कि प्राचीन काल में हमारे लोहा नहीं था शुरू में, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। लेकिन पत्थर और तांबे बहुत थे, पत्थर सिंधु में ही था, तांबे की खाने राजस्थान में थी। और कह रहे पत्थर सिंध में था,
तांबे की खाने राजस्थान में थी, तो ये जो सिंध और राजस्थान सब लगा हुआ ही है, ठीक है, पंजाब, इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। और कह रहे हैं कि तांबे और पत्थर के जो उपकरण बनाए जाते थे वो खेती के प्रयोग में आते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। लेकिन कह रहे हैं जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक एक धातु होती है और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, जिस प्रकार से सिंध में पत्थर और तांबे का प्रयोग किया जाता था। आगे कह रहे हैं इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे, और कह रहे हैं कि इतिहासकार इरफान हबीब के अकॉर्डिंग यहाँ के लोग रबी की फसल ही लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं, और कह रहे हैं यहाँ पे रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ और सरसों और चने की जो उपज है उसके पुख्ता सबूत खुदाई में मिले, खुदाई में अनाज मिले हड़प्पा की सभ्यता में, ठीक है। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। कह रहे हैं कि जो ये अनाज मिले ये उस टाइम के थे जब वहाँ पे हरियाली थी, पानी था सब कुछ, तब जब पानी था तब का ये जो है कि क्या बोलते हैं प्रमाण मिलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ सूखा पड़ा जिसके कारण सब चीज़ खत्म हो गया, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सूखे में ख़त्म हो गया, ढल जाने का मतलब ख़त्म हो गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की उपज भी होती थी, और विद्वान मानते हैं कि यहाँ पे ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे और झाड़ियों से बेर भी मिलते थे। कपास की खेती भी होती थी, कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं उन्हें परखा गया, और कह रहे हैं कपास को छोड़ के सब चीज़ के बीज मिले हैं और उनको उनकी परख भी की गई है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है, कह रहे हैं कपास का भी जो है कि लोग उपज करते थे ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सूती कपड़े प्राप्त हुए हैं। ये दुनिया के सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में एक हैं, और ये जो सूती कपड़े मिले दुनिया के जो सूत मिले हैं उनके दो सबसे पुराने नमूने में से एक हैं। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जार्डन में मिला था, जार्डन में एक मिला था सूती कपड़ा, एक हड़प्पा की खुदाई में मिला है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, और कह रहे हैं मोहनजोदड़ो में क्लियर होता है कि सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला है, और कह रहे हैं कि रंगाई का एक छोटा कारखाना जो है कि माधव स्वरूप एक वत्स को प्राप्त हुआ मिला था, और छाल्टी लिनन जिसको आजकल हम लोग लिनन कहते हैं, लिनन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे, और सुमेर से कह रहे हैं कि लिनन भी आयात होता था जिसको हम क्या बोलते हैं छाल्टी या ऊन कहते हैं। आगे कह रहे हैं शायद सूत को ऊन को निर्यात होता था, और कह रहे हैं शायद हो सकता है कि वो लोग उसके बदले में सूत जो है कि निर्यात करते थे, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ, और कह रहे हैं जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया यूरोप को सदियों से हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है, और कह रहे हैं प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का लोग प्रयोग करते हैं। महान कुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, और कह रहे हैं महान कुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत बड़ी इमारत का अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त हुआ है, इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, और कह रहे हैं इसके बीचों बीच हम देखते हैं तो एक बड़ा सा दालान है, तीन तरफ बरामदे हैं, इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे, और कह रहे हैं तीन तरफ जो बरामदे हैं इनके साथ वो कभी कभी छोटे छोटे कमरे में रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ सटी हुई होती थी, और कह रहे हैं कि जो पुरातत्व के जानकार हैं वो कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ मीन्स वहीं पर ज्ञानशाला भी सटी हुई रहती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्ट्स माना जाता है, और कह रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको कॉलेज ऑफ प्रिस्ट्स माना जाता है, ठीक है ना। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है, और कह रहे हैं दक्षिण में एक खाली इमारत है जो है कि 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है, जो बड़ी इमारत है, ठीक है ना। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा, और कह रहे हैं हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम
बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीले पर बनी है और कह रहे हैं गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले जो है कि छोटे टीलों पर बनी हुई हैं, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है और इसलिए इन्हें नीचा नगर कह के पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है और कह रहे हैं जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो टीलों का आकार अब घट गया है। कहीं कहीं वे फिर ज़मीन से जा मिले और टीले जो है कि ज़मीन से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और बस्तियों के कुएँ लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। मीन्स इतना ऊंचाई पे वो नगर बसा था कि आज मिट्टी बह के चली गई है, तो लगता है कि बस्तियों के जो कुएँ हैं वो मीनार की शक्ल में प्राप्त होते हैं। ऐसे लगता है धरती छोड़ के वो बाहर नहीं, जैसे अब कुआं बना है बहुत ऊंचाई पे जाके कुएँ की जो है कि वो जगत है, ठीक है, तो जब मिट्टी बह के जाएगा तो वो जहाँ पे साबुत ज़मीन है वहाँ तक वो बह के जाएगी। तो अंदर से जैसे नहीं आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप देखेंगे 31 पेज पे वो दिखाई देगा ऊपर ऐसे कुआं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि पूरब की बस्ती रईसों वाली बस्ती है। कह रहे हैं पूर्व की जो बस्ती है वो रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियाँ गरीबों की बस्तियाँ मानी जाती हैं, जबकि आज का जो युग है इसमें पूरब की बस्ती गरीबों की बस्तियाँ मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो में इसका उलट था। कह रहे हैं आज जो हमारी सभ्यता है शहर बसाने की, नगर बसाने की, गांव बसाने की, वो चीज़ का मोहनजोदड़ो के टाइम में एकदम उसका उलट था, यानी बड़े घर चौड़ी सड़कें ज़्यादा कुएँ। और उस टाइम में क्या था, बड़े बड़े घर थे, चौड़ी सड़कें थे, ज़्यादा कुएँ थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों की खुदाई करवाने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है और कह रहे हैं मोहनजोदड़ो के जो सभी खंडहरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, मीन्स जो ज्ञाता लोग थे पुरातत्व के खुदाई करने वाले, उनका संक्षिप्त नाम दिया गया है। जैसे DK हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, ठीक है, जो लोगों ने जिस पार्ट की खुदाई की है वहाँ पे उस पार्ट पे जिन जो है कि पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की उनका नाम जो है कि लग गया है बोर्ड पे। जैसे हमारे यहाँ कोई भी नगर, कोई भी गांव, कोई भी गेट या कोई भी मंदिर या किसी भी चीज़ का निर्माण, किसी भी जगत का निर्माण कोई करवाता है, चाहे प्रधान हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे वो जैसे नहीं प्रधानमंत्री मार्ग दे देते हैं ना, तो इस तरह से उन लोगों का भी नाम वहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। उनके नाम पर यहाँ दो हलके हैं। DK क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है और कह रहे हैं कि उनके नाम पर यहाँ दो हलके हैं। जैसे DK क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर, और कह रहे हैं शहर की मुख्य जो सड़क है फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती, और कह रहे हैं ये जो सड़क है वो बहुत लंबी, ऐसे लगता है पूरे शहर में यह अकेली सड़क ने पूरे शहर को जो है कि क्या बोलते हैं रास्ता दिया है, पूरे शहर को नाप सकती है कितना बड़ा शहर है। अब यह आधा मील बची है और ये कह रहे हैं जो सड़क है वो बस आधा मील ही उसका अवशेष बचा है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है और कह रहे हैं इतने मतलब देख लो 33 फुट चौड़ाई अभी भी है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहन के साक्ष्य मिलते हैं और कह रहे हैं मोहनजोदड़ो से अगर वाहनों की बात करें तो 3 तरह के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी और कह रहे हैं इनमें से सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं और ये सड़क इतनी चौड़ी है कि इन पर 2 बैलगाड़ियां आसानी से आ जा सकती हैं। ये सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाज़ार था और कह रहे हैं शहर का अंत वहाँ पे होता है सड़क का, जहाँ पे मार्केट रहता था, ठीक है।